जरूरी नहीं है सिम्स में ही करें, पर ऐसे हॉस्पिटल में करना चाहिए जहां पे मल्टी स्पेशलिटी केयर हो। मैं तो यही बोलूंगा सिम्स में ही करो और दरिया सिंह से ही करो, बट जरूरी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल में करना चाहिए जहां पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है हमें मिडिल मतलब थोड़ी एडवांस्ड एज में, जहां पे मल्टीपल डिजीज होने के चांसेस, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, दूसरी काफी सारी कंडीशन है, तो उसमें यदि एक ही छत के नीचे डिफरेंट डॉक्टर्स है तो वहां पे करेंगे तो कुछ एडवर्स आउटकम होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। साथ साथ में ऐसे हॉस्पिटल में करना चाहिए जो NABH या JCI हो। NABH और JCI का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस। NABH क्या है? NABH एक डिफरेंट, जैसे QCI है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, उसी तरह से NABH है। हाँ, सो NABH एक थर्ड बॉडी है जो क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट देती है। सो ये हॉस्पिटल जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल होते हैं वो पहले से ही क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो उसमें अगेन वहां कॉम्प्लिकेशंस और एडवर्स आउटकम के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। JCI एक स्टेप बड़ा ऊपर है, JCI उसका थोड़ा बाप है। सो वो इंटरनेशनल लेवल का है, वहां और भी स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया होती है। सो आवर हॉस्पिटल इज JCI एंड NABH बोथ। यस, देन अ फ्यू वर्ड अबाउट वन डे टी केयर। जैसे मैंने बताया था कि वन डे टी केयर इज ए टी केयर वेयर वी ऑपरेट ऑन द सेम डे एंड देन डिस्चार्ज ऑन द नेक्स्ट डे। इसके कॉम्पोनेंट क्या क्या है? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लिगामेंट बैलेंसिंग। एक्यूरेसी प्रिसीजन जैसे मैंने बताया, या तो आप रोबोट से कर सकते हो या जैसे मेरी टेक्निक है उससे भी कर सकते हैं। देन पेन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई एस्पेक्ट है, इसके काउंसलिंग से लेकर के प्री ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट से इंट्रा ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव एंड अगेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यदि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज सर्जरी है तो पेन थोड़ा कम होता है। देन प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन, पेशेंट का किसी का डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट की कंडीशन है, तो उनका सबका प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन भी इतना ही जरूरी है, तभी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली ठीक रहेगा और घर जल्दी जाएगा। ब्लड कंजर्वेशन, यदि ब्लड देना पड़ता है ऑपरेशन के बाद में तो यूजुअली पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो सकता है वन डे में। सो हमारा जो ब्लड लॉस है लगभग ऑन एन एवरेज 1 ग्राम के आसपास ब्लड लॉस होता है। सो वर्ल्ड अराउंड इसकी एवरेज ब्लड लॉस है 1.5 ग्राम। रोबोटिक सर्जरी वाले भी ये क्लेम करते हैं कि हमारा ब्लड लॉस कम होता है, उनका भी 1.5 ग्राम के आसपास होता है और हमारा लगभग 1 ग्राम के आसपास होता है। मेरे को याद नहीं है मैंने कब लास्ट ब्लड दिया था पेशेंट को। देन प्री ऑपरेटिव एजुकेशन एंड फिजियोथेरेपी। जो पेशेंट मोटिवेटेड होते हैं, जो पेशेंट पहले से ही एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं, वो जल्दी रिकवर होते हैं और जल्दी घर जाते हैं। सो प्री ऑपरेटिव एजुकेशन एंड प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वन डे टी केयर। वी ऑप्टिमाइज्ड ऑल दीज पैरामीटर्स एंड दैट्स व्हाई वी कुड अचीव दिस वन डे टी केयर। केस नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट इज वॉकिंग विदाउट एनी असिस्टेंस, एबल टू बैंड, एबल टू लिफ्ट लेग एंड एबल टू क्लाइम स्टेयर्स, एंड इफ दैट कैन बी अचीव वी कैन डिस्चार्ज आवर पेशेंट द नेक्स्ट डे। वी ऑल्सो एंश्योर द सेफ्टी। फॉर सेफ्टी रिसेंटली वी हैव एडेड बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स में क्या होता है, एक चिप होती है वो पेशेंट के चेस्ट पे लगाते हैं और उससे पेशेंट के काफ़ी सारे वाइटल पैरामीटर्स हम मॉनिटर करते हैं। इवन ये हम घर पे भी पेशेंट के मॉनिटर कर सकते हैं। सो कोई भी थोड़ा बहुत भी अब नॉर्मल जाता है तो वो अलर्ट जनरेट करता है और
अलर्ट जनरेट करके उसमें वेरियस, जैसे वो एम्बुलेंस को अलर्ट जाता है, फैमिली को जाता है और डॉक्टर को भी जाता है, देन कोई भी करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं. एंड प्रोबेबली आवर हॉस्पिटल इज द फर्स्ट हॉस्पिटल एंड आई थिंक ओनली हॉस्पिटल विच हैव बायोसेंसर सच फैसिलिटी. फ्यू अदर नोटेबल फीचर ऑफ आवर प्रोग्राम, ब्लडलेस सर्जरी एज आई टोल्ड यू. ब्लड मैंने याद नहीं है कि कब मेरे पेशेंट्स को ब्लड दिया था. दूसरा इन्फेक्शन, इस ऑपरेशन में इन्फेक्शन होने की संभावना लगभग वर्ल्ड अराउंड 0.5% है, मीन्स 1000 लोगों में से 5 लोगों को इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं. आई हैड इन्फेक्शन 0% फॉर लास्ट 14 ईयर. 90 डेज री एडमिशन टू द हॉस्पिटल फॉर एनी रीजन, मीन्स ऑपरेशन के विद इन 90 डेज में हॉस्पिटल में वापस से एडमिशन होना किसी भी रीजन से, अगेन फॉर लास्ट 15 ईयर 0. 90 डेज मोर्टालिटी किसी भी रीजन से, ऑपरेशन के 3 महीने में किसी भी रीजन से, हार्ट से, ब्रेन से, किसी भी रीजन से मोर्टालिटी, अगेन ये मोर्टालिटी वर्ल्ड अराउंड 90 डेज री एडमिशन टू द हॉस्पिटल वर्ल्ड अराउंड 3% है. 90 डेज मोर्टालिटी वर्ल्ड अराउंड 0.1% है, अगेन आई हैव 0 मोर्टालिटी. इन टू कंक्लूड, हेल्दी जॉइंट्स एंश्योर्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. यू शुड एंश्योर दैट योर जॉइंट मस्ट बी वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड. देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑब्वियसली वी ऑल नो. एंड फॉर प्रिवेंशन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. जॉइंट रिप्लेसमेंट कैन बी डिलेड बाई मेडिकल मैनेजमेंट एज आई टोल्ड यू, एंड एट लीस्ट 1 year वी कैन डिले. And if we delay by 1 year, collectively we can make a very huge difference economically. In case surgery is needed, look for good hospital, skilled doctor and available technology. Thank you.